अभी आप लोगों ने गुरु वंदना श्रवण किया। गुरु भगवान के रूप होते हैं ये तो बहुत प्रचलित बात, लेकिन वास्तव में गुरु महाराज भगवान होने पर भी मनुष्य बन कर के भी आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण, अधिकतर मनुष्य को भगवान के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान ही हैं, लेकिन साक्षात भगवान जो गीता का उपदेश अपने प्रिय भक्त भक्तों से में सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तमम, गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तुमको इसलिए सब बता रहा हूँ कि भक्तोषि में सखा चेती, तुम मेरे मित्र भी हो और मेरे भक्त भी हो, और शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यह अर्जुन ने दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में कह दिया। अब आप देखिए, केवल गुरु बनकर के पूजा नहीं करवाने से काम चलेगा। भगवान वास्तव में सबसे बड़े गुरु हैं, लेकिन फिर भी महाराज इतना शिष्य के लिए, मैं तो कहता हूँ स्वयं ठाकुर जी ही समर्पित हो जाते हैं। समर्पण तो शिष्य की ओर से होता है, लेकिन शिष्य का कल्याण करने के लिए भगवान ही समर्पित होकर सेवा करते हैं। अर्जुन के घोड़े की खरहरा करते हैं, पानी पिलाते हैं, थका हो तो अर्जुन के घोड़े के पैर दबाते हैं ठाकुर जी, अर्जुन को कह देते तू सो जा, मुझे भी घोड़े की सेवा करनी। ऐसे सिद्ध गुरु जो होते हैं उनको अहंकार कोई नहीं छू जाता है, वो वास्तव में उनके अंदर भगवान लीला करते हैं। खाकी बाबा का चरित्र आप लोग सुन रहे हैं ना यूट्यूब में, खाकी बाबा के शरीर में स्वयं भगवान ही प्रवेश करके लीला करते हैं। आगे मैं आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा उनके विषय में। तो अनंत महिमा इसलिए गुरु की कही गई है, वो कह रही है कि तुम मेरा मित्र भी है, केवल शिष्य ही नहीं है, मेरा मित्र भी है और भक्त भी है। भक्त का मतलब हुआ जो प्रीति भाजन है, जो गुरु से या भगवान से प्रेम करे वह गुरु का भक्त और भगवान का भक्त है। प्रेम किए बिना कोई भक्त नहीं हो सकता है, और यदि प्रेम नहीं करता है तो उसकी भक्ति साधन भक्ति हो सकती है, साधन भक्ति हो सकती है शुरुआत की, लेकिन वास्तविक भक्ति होगी तो प्रेम होगा गुरु से। आप लोग अन्यथा मत लेना कि प्रेम गुरु से क्यों करें, भगवान से ही करें। अरे भाई, गुरु से प्रेम जिस शिष्य को होता है वही जानता है, और उसके लिए सात समुद्र पार गुरुदेव हूँ तो साक्षात वही प्रकट होकर के उसके ऊपर कृपा बरसा देते हैं। और नीम करोड़ी बाबा आज भी ये करते, महावतार बाबा आज भी ये करते हैं, श्यामाचरण लाहड़ी, खाकी बाबा, ये लोग जो है ना, ये वास्तव में भगवान के ही जैसे कृपालु हैं, इसलिए इनके चरणों में जो आश्रित हो गया, चरणाश्रय को ग्रहण कर लिया, उस पर गुरु का वरद हस्त सदा रहता है, सदा रहता है, निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है। गुरु कृपा से फिर भगवान की प्रीति बढ़ती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यदि आप गुरु से प्रेम करोगे, आप ये समझ लेना कि वही प्रेम भगवान की ओर चला जाएगा। आपने प्रेम किया गुरु से और वो भगवान अपनी ओर से गिफ्ट दे देते हैं अपने प्रेम का, कि ले अब मैं अपना प्रेम तुझको देता हूँ। तब भक्त बोल पड़ता है, प्रभु मुझे कुछ अनुभव करा दीजिए जिससे मेरा प्रेम और बढ़ जाए,
और मैं आप ही का हो जाऊं, इसी प्रकार की भावना इसमें व्यक्त की गई है भजन में। आप श्रवण करिए, मेरे पास बहुत से पर्चे भी आए हैं, तब तक मैं पर्चे देख लूँगा।